नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन टेस्टीज होती हैं। इसके अलावा अदर एसेसरी ऑर्गन्स के साथ साथ थ्री ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो जो थ्री ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, उनमें सबसे पहली जो ग्लैंड है जिसका हम डिस्कशन करते हैं, इसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल के नाम से जानते हैं। जो सेकेंड ग्लैंड होती है, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। और एक चीज, ये जो लास्ट जो हमें दिखाई देती है यहाँ पर, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल या फिर इसको हम कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझने वाली चीज है ये। ये तीन ग्लैंड्स हैं, हमने आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया हुआ है। ये टेस्टीज एपिडिडर्मिस, यहाँ से वास डिफरेंस जाती है और वास डिफरेंस इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर के एजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो एक ये ग्लैंड हो गई जो पेयर्ड होती है, एक सेमिनल वेसिकल इधर है एक इधर है। बाद में ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर इसको एजेकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं और ये फाइनली ओपन होती है इस यूरेथ्रा में। ये जो यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट से घिरी रहती है, किससे घिरी रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। उसके बाद ये जो इस रीजन की यूरेथ्रा है, इसको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से ही किसका अटैचमेंट होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का या फिर कॉपर्स ग्लैंड का। तो थोड़ा इनसे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली आपकी जो ग्लैंड है, दैट इज सेमिनल वेसिकल। अब देखो, सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं सेमिनल वेसिकल। अगर हम सेमिनल वेसिकल में देखें तो ओवरऑल जो ग्लैंड्स होती हैं टोटल, ठीक है ना, जो टोटल सिक्रीशन है सेमिन में, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, उसके टोटल सिक्रीशन का 60% सिक्रीशन कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूड निकलता है वो, उसका जो पीएच होता है वो लगभग 7.4 के आसपास होता है। और जो सेमिनल वेसिकल से कंटेंट निकलता है, इसमें मेनली फ्रक्टोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद हम इसमें देख सकते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स से अलग होते हैं। इनकी थोड़ी हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। फ्रक्टोज जो स्पर्म्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जब सेमेन रिलीज किया जाता है फीमेल वेजाइनल ट्रैक में, तो ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक में जाने के बाद जो यूट्रस होती है तो उसमें यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। जब यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो स्पर्म्स बहुत अच्छे से रेज करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रेवल करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ। तीसरा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, ये आफ्टर एजेकुलेशन के बाद, मतलब एजेकुलेशन आफ्टर एजेकुलेशन, इनका काम होता है जो सेमन होता है उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई होने में हेल्प करता है, जिससे उसकी एनर्जी कुछ टाइम के लिए कंजर्व रहे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है सिलेबस में, तो इसको हम बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो पहला हो गया आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद जो दूसरी ग्लैंड आती है, जो सिंगल ग्लैंड है ट्राइंगुलर टाइप की, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो टोटल ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, तीन ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसिकल, इन तीनों ग्लैंड्स का टोटल सिक्रीशन का 60% सिक्रीट करती है, जबकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इन ग्लैंड का 25-30% के आसपास सिक्रीट करती है। 25-30% टोटल ग्लैंड्स के, तीनों ग्लैंड्स के टोटल सिक्रीशन का 25-30%।
सीक्रेट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 पीएच होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसका। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इससे साइट्रिक एसिड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। साइट्रिक एसिड की वजह से ही ये इसका पीएच कुछ कम होता है, कुछ एसिडिक होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ एंजाइम्स भी इसमें सीक्रेट होते हैं, बट इनका कोई डिस्क्रिप्शन सिलेबस लेवल पे ज़्यादा है नहीं। और थर्ड जो आ रहा है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पढ़ने से लग रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ भी प्रोस्टाग्लैंडिन का वही काम है, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। और साइट्रिक एसिड वही प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म्स फॉर मूवमेंट, ठीक है। वही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, वही यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अब समझ रहे हैं ना। तीसरी जो ग्लैंड आ रही है, थर्ड ग्लैंड, हाँ यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें से बहुत पतली पतली डक्ट्स आती हैं, बहुत पतली पतली डक्ट्स, और वो पतली पतली डक्ट्स इस यूरेथ्रा में ओपन होती हैं जिससे इस यूरेथ्रा में सिक्रीशन रिलीज होता है। तीसरी जो है बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड है, ये बहुत छोटी होती है और इसका जो सिक्रीशन होता है बल्बो यूरेथ्रल या फिर इसको हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पेयर्ड ग्लैंड है बट जो इसका सिक्रीशन है वो बहुत कम, एकदम बहुत कम, 1-2% के आसपास आप बोल सकते हो, यानी कि बहुत माइनर, बहुत कम सिक्रीशन होता है इस ग्लैंड का। और इस सिक्रीशन जो होता है इसका वो भी कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, वेरी लेस इन क्वांटिटी, ये सिक्रीशन बहुत कम होता है, वेरी लेस इन क्वांटिटी। तीसरी चीज़ वही सेम काम है इसका भी, इसका मेन काम इसका क्या होता है, एक्चुअल में ये सेमेन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बना पाता, ठीक है ना। जबकि ये केवल ये जो पाथ है यूरेथ्रल पाथ जिससे हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, हमको पता है कि जो हमारी यूरिन है उसका पीएच 6 होता है, यूरिन स्लाइटली एसिडिक होगी और उस एसिड की वजह से स्पर्म्स की इस पाथ से ट्रेवल करते टाइम इजेकुलेशन के टाइम पर डेथ हो सकती है। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या करता है, इस यूरेथ्रा के पाथ को, पैसेज को ल्यूब्रिकेट कर देता है। एक तो ल्यूब्रिकेशन की वजह से स्पर्म्स का ट्रेवल स्मूथली होगा, दूसरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पर जो एसिडिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इस यूरेथ्रा का नेचर बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। और पेनाइल पार्ट में थोड़ा ल्यूब्रिकेशन भी आने के चांसेस रहेंगे, कुछ ल्यूब्रिकेशन आ जाएगा इसमें। तो ये मेनली तीन ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन जो तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, क्लियर है ना। दूसरी चीज, तो सेमिनल प्लाज्मा में ये सिक्रीशन 60% और ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, कितना हो गया ये टोटल, मिलाकर आपका हो गया 90%, ठीक है ना। और क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म्स बने हैं वो भी आएंगे, तो जो सेमन टोटल रिलीज होता है उस सेमन में सेमिनल प्लाज्मा 90% और स्पर्म्स कितने होते हैं, 10% अमाउंट उसका स्पर्म्स बनाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सेमेन बोलते हैं। जैसे ब्लड, ब्लड में ब्लड की सेल्स और ब्लड प्लाज्मा, तो वैसे यहाँ कंडीशन है कि सेमिनल प्लाज्मा 90% और स्पर्म्स 10%, टोटल अमाउंट को हम सेमेन बोलते हैं, यानी कि एजेकुलेशन के टाइम पर जो अमाउंट रिलीज होता है हमारे पेनाइल पार्ट से, उस पूरे अमाउंट को हम सेमेन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और बताने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो ओवरऑल अगर हम सेमेन की बात करें
तो ये बेसिक नेचर का होता है, इसका पीएच वही 7.4 के आसपास इसका पीएच होता है। और इस पूरे सेमन का बेसिक होने से ये फ़ायदा मिलता है कि जब ये सेमन यूरिनरी ट्रैक, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करता है और वो ट्रैक अगर एसिडिक है हल्का फुल्का, तो उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देगा तो स्पर्म्स की डेथ नहीं होगी, स्पर्म वहाँ पर प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे। तो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए भी इस सेमन का पीएच जो 7.4 होता है ये हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।